तो भाई साहब, कभी कभी ना कुछ ऐसा वाकया हो जाता है जो हम लोग सोचते नहीं और हो जाता है। एक हमारे दोस्त हैं, गांव के ही हैं, हमारे ही गांव के हैं, और काफ़ी दिनों से रहते हैं, लेकिन वो हमसे 150 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। और देखो, संजोग से वो आए हैं यहाँ पे, अम्बेसी है वहाँ पे, उनका कुछ काम वाम था पासपोर्ट का, तो वो आए थे। तो कॉल किए तो हमने कहा ठीक है भाई, कहीं भी हो, इधर हमारे एरिया में आए हो तो मुलाकात करके ही जाओ। तो उन्होंने लोकेशन भेजा, उनसे मिलने जा रहे हैं, 2 मिनट में उनके पास ही पहुंचने वाले हैं, और मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। और जब एक अजनबी शहर में, ठीक है अजनबी शहर की बातें छोड़ो, अजनबी कंट्री में जब कोई अपने प्रदेश का मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, तो सोचो जब अपने कोई गांव का मिलता है तो कितनी खुशी होती होगी, होती होगी कि नहीं। एक साथ में रहने का मतलब अलग होता है, और एक कभी जब मिलना होता है तो वो खुशी अलग होता है। तो अच्छा, ये जो गांव के हमारे हैं, ये कभी गांव में मुलाकात होता ही नहीं, क्योंकि हम जाते हैं तो वो सऊदी रहते हैं, वो जाते हैं तो हम सऊदी रहते हैं, इस वजह से आज काफी सालों से मुलाकात नहीं हुई है। तो आज काफी सालों बाद उनसे मिलने चल रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो ये बोले हैं कि हम महत्ता पे खड़े हैं, महत्ता पे तो दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, देखते हैं। ये महत्ता पे तो हम आ गए हैं, महत्ता पे किधर खड़े हैं? बढ़िया है। तो यार संजोग देखा साला, घरे ना मुलाकात होते और यहाँ सऊदी में एक मुलाकात होत बा, गजब। यही यार हमारे 2-3 घंटा हो गया। तो भाई साहब, हम लोग साथ में ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है, साथ में ही पढ़े लिखे और काफी दिनों से सऊदी रह रहे हैं, मुलाकात आज पहली बार पहली हो रही है। और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ये हमारे गांव के ही हैं, और ये साथ भाई साहब जो है, ये इनको लेकर के। कहाँ रूम किधर आपका? रूम तो मेरा, ये जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, हाँ। एक गली जा रही है, काम करो, हाँ। साथ में लेके जाओ। नमन से कहा फोन करी, तब वीडियो मिला, उतरे मतलब दिखावे खातिर कहाँ है, हम क्या लागत बिजी है? नहीं, बिजी तो रहे, लेकिन जब तुम्हारे दूसरे की तरफ फोन आये तो हम समझ गए कोनो मैटर बाय। जैसे अब एक बार फोन आते आदमी सोचे थे वैसे, लेकिन जब दोबारा आए तो हम जान गए कोनो मैटर बाय, तो हम के अलावा रिटर्न करी, मैडम बैठी रही, हम तुरंत रिटर्न किए। जब तू कहे यहीं आए तुरंत लोकेशन भेजा, हम तो फुर्सत में रहा करी थे ना, फुर्सत में रहा तो तुरंत कभी लोग फोन किए, हम कैसे अब 2-3 घंटे खातिर काम बंद। अब हम जाते एक दोस्त है बहुत खास मिले, तो कफिल वकाल माफ है मुश्किल है, फिर बन जी हम कहियो फिर बन जी माफ है मुश्किल है, इधर माफ है नहीं। अब भी वो ऐसे साला 10-10 रुपए तेल भरा हो, तो ऐसे पूछ रहा है, जब कहूँ जाए होते ना तो ऐसे हाँ। पूछा था तेल ना हो तो हम भराई हाँ। ताकि बिजती ना हो, बहुत कंजूस है। और मदीम का हाल चाल है, घरे का हाल चाल बतावा? तो साला एकदम दिला खुश है ये कसम से, देखा साथे पढ़े लिखे, साथे खेले कूदे, यार बचपना बीता है, हाउ वाला करे। लेकिन जब से कमाए लागे तब से मुलाकात ना हो, जब तू घरे जा तो हम ये, जब हम ये तो तू, जब हम घरे जाए तो तू ये, सही बात ये, देखा मुलाकात ना हो, संजोग देखा सऊदी मुलाकात हो, जहाँ सोचे रहे, हाँ जहाँ सोचे ना रहे, दूर है ना मेरे लिए, काफी दूर है। अच्छा ये बतावा, तू गवैया बताओ तो, गवैया इधर है, गवैया इधर है, तो इधर कहाँ जात रहा हूँ, बता जात रहा का, हाँ बता जात रहा हूँ, तो फिर इधर से आई हूँ, इधर जाए तब हम कहे साला इधर कहाँ जा रहा है। नहीं नहीं अलगवैया घर। तो भाई साहब को चलते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं और बात करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई साहब, ये हमारे मित्र हैं, और अभी आपने जो पहले वीडियो में देखा, कितने दूर रहते तो यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, और आज बचपन से हम लोग साथ ही में पढ़े लिखे, कक्षा 1 से, और बड़ा चला आज लगभग मान के चलो 7-8 साल के बाद जो है मुलाकात हो रही है, 7-8 साल तो हो ही गए। हाँ, 8-8 साल हो गए। और सऊदी रहा तुम्हें कितना साल भाई? मैं 10 साल हो गए सऊदी रहा, 10 साल हो गए सऊदी रहते, 10 साल हो गया, 7 साल लगभग समथिंग हमको हो गया, 6 साल 7 साल 7 साल हो गया। और सिचुएशन ऐसी बनी कि जब हम घर जाते हैं तो ये यहाँ, ये घर जाते हैं तो हम यहाँ,
मतलब मुलाकात जो है हो नहीं पा रही है, यही सब है। और ये जो है काम करते हैं, यहाँ पे जगह है गवैया, वहाँ पे काम करते हैं, जगह का नाम है गवैया, उससे 20 किलोमीटर दूरी पे है। और है तो मान के चलो रियाद में ही, रियाद से थोड़ा करीब में ही है, रियाद में नहीं है लेकिन रियाद से करीब ही है, 180 किलोमीटर समथिंग दूरी है, सऊदी अरब में ही है, मतलब कुल मिला जुला करके। तो ये जो है पासपोर्ट का थोड़ा मैटर था, तो वही आए थे, तो हमने कहा चलो मुलाकात ही करते हैं। अब जब मुलाकात करने के लिए कफिल से पूछे, कफिल बोला ठीक है कोई बात नहीं जाओ। तो गए घूम टहल टहल के आए। अब रूम ये हमारा, हमारे रूम में यहाँ जल्दी कोई आ नहीं पाता, लेकिन हम ले करके आए। सारा सिचुएशन है, बैठता चला जा रहा है। तो ये भाई साहब काम करते हैं, मजरा वाला काम करते हैं, और काफ़ी दिनों से एक ही कफिल के यहाँ काम करते हैं। कितना साल से करेंगे? 10 साल हो गए। एक ही कपिल के? एक ही पास। अच्छा 10 साल में कब लफड़ा ना बाप? लफड़ा होता ही रहता है लेकिन बस चलता रहता है। हैं। लेकिन मान लो कपिल ठीक है। हैं। पगार उगार का मुश्किल नहीं होता है। पगार उगार मतलब सैलरी वगैरह टाइम से दे देता है। हाँ हाँ 27 को तो ला के दे देता है। 26 को उनकी होती है, 27 को देता है, तभी तो एक जगह रह गया 10 साल तक। तो यही है जिंदगी सऊदी अरब की। हम लोग सऊदी अरब में जब से रहने लगे तब से कहाँ कौन, कहाँ दोस्त, कहाँ यार, सब कुछ बिछड़ गए। और ऐसे ही मिलना होता है कभी कभार। कई बार हम सोचे कि मिलेंगे एक दिन, चलेंगे मिलेंगे, लेकिन वही है कि सिचुएशन ही नहीं बन पा रहा था। संजोग आज की एकाएक हम जा यूनिवर्सिटी से लौटे थे और इनका फ़ोन आया, तो एक बार फ़ोन आया तो हमने सोचा ऐसे ही फ़ोन कर रहे होंगे, तो हम मैडम गाड़ी में बैठी थी, तो हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर में कॉल करते हैं, काट दिया फ़ोन। दोबारा जब आया तब हमने सोचा कोई ज़रूरी है, तुरंत उठाया फ़ोन। हमने कहा, तब बोले कि कहाँ हो, हमने कहा है तो बताओ, बोले यहीं है। हम अरे हमको तुरंत लोकेशन भेजा, हम कुछ छोड़ छाड़ के आवा थे, लोकेशन भेजे तो हमारे बगल में, तो करीब करीब में फिर गए, तब लिवा करके आए रूम पे, रूम घुमाए। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद एक गाड़ी रिजर्व करके आया, कहो गाड़ी रिजर्व करके वहीं से आए हैं। तो यही है, मुलाकात हो गई। और मुलाकात का मतलब जैसा होता है गांव के, जैसे कोई लोग रहते हैं जब साथ में रहते हैं तो उतना खुशी नहीं रहता, लेकिन जब एकाएक मुलाकात होती है अरे तो फिर। और खासकर ऐसे आदमी जो बचपन से साथ में रहा हो, जैसे पढ़ाई लिखाई खेल कूद बचपना साथ में बीता, तो वो अलग फीलिंग होती है। तो फीलिंग का मतलब वो फीलिंग बयां नहीं कर सकता कोई, वो एहसास। तो यही सब है, तो मिलते हैं फिर आगे, तब तक बातचीत करते हैं।